क्वेश्चन इज साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर गिवन बिलो डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्राइंगल्स इन केस ऑफ राइट ट्राइंगल्स राइट द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमको ट्राइंगल की साइड्स दी हुई हैं, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले देखिए है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो कोई भी अगर तीन साइड्स हमको किसी ट्राइंगल की गिवन है और हमको ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे या नहीं, उसके लिए क्या करना होता है, जो दो सबसे छोटी साइड्स हैं उनका स्क्वायर का सम अगर थर्ड वाली साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो इट मींस वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यानी हमको यहाँ पे बताना है कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो दो सबसे छोटी साइड कौन सी है, 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। हमको इनके स्क्वायर लेने हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो जाएगा 625, राइट। अगर हम 620 और 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625। तो देखिए दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, या हम कह सकते हैं 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर, करेक्ट। तो यानी ये तीनों जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल क्या है, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो पहला वाला जो होगा वो होगा राइट ट्राइंगल, राइट। अब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है, यहाँ पे क्या है वो 25 है। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपकी 25 सेंटीमीटर। सेकंड में हमको गिवन है किसी भी ट्राइंगल की तीन साइड्स हैं, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। हमको बताना है कि एक राइट ट्राइंगल फॉर्म करेंगी या नहीं। तो सबसे पहले दो छोटी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, इनका स्क्वायर देखिए 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 36 विच मीन्स 45, करेक्ट। अब सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सो यहाँ पे जो है 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रही है। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, दिस इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। थर्ड में हमको दिया हुआ है ट्राइंगल की तीन साइड है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे जो दो सबसे छोटी साइड्स हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो इनका स्क्वायर लेते हैं 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। 50 स्क्वायर हो जाएगा 2500 एंड 80 स्क्वायर 6400। इनका अगर हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 8900। अब करते हैं सबसे बड़ी साइड जो कि है 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। सो दो जो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 100 स्क्वायर, करेक्ट। तो वी कैन से दिस इज नॉट ए राइट ट्राइंगल। तो ये वाला राइट ट्रायंगल नहीं फॉर्म कर रहे। जो लास्ट है इसमें वो है 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसी ट्रायंगल के तीन साइड गिवन है 13, 12 एंड 5। हमको देखना है कि ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं। तो इसमें भी देखते हैं दो छोटी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 स्क्वायर है 144 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इनका अगर हम सम करेंगे तो आएगा 169, करेक्ट। अब सबसे बड़ी वाली साइड क्या है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो दो छोटी साइड्स का स्क्वायर का सम जो है, जो तीसरी साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल है, सो वी कैन से दिस इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, सो वी कैन से दिस इज
ए राइट ट्रायंगल, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज की लेंथ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया।